गेस्ट हैं, उनकी अगर बाहरी पहचान में आपको बतलाऊं तो ये कहूंगा कि शरारती जगमग जगमग करती दो आंखें, एक खिलती हुई मुस्कुराहट इतनी बड़ी कि इसके अंदर सारा चेहरा समा जाए। She is mad. A wonderful human being. Talks too much. I call her Yako because she talks a lot. Bosses over completely. Full of life. She's very sweet. She's just a little baby for me. Sonali ji, hum yahan puri tarah taiyar hain. Aapki taraf kya qissa hai? Yahan par bhi taiyari bilkul puri hai. Hamare bahut se khas green room mein excitement dheere dheere badhti ja rahi hai. Sabhi log aaj ke mehman ko surprise dene ke liye bilkul taiyar hain. To chale mile aaj ke mehman se. To main daawat deta hu yahan aane ke liye. प्रीति जिंटा को। आदाब आदाब आदाब। प्रीति, चूंकि आप हमारी बहुत खास मेहमान हैं और वैसे भी बहुत खास पर्सनालिटी हैं, तो क्या मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूँ कि आप तशरीफ रखें? बिल्कुल जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, क्यों ना पर्दे पे थोड़ी सी झलकियां देख ले। पुंजिरि दंजि कुंजि क्यो मुंदिरि मुत्तोळि जिंदि क्यो मंजणि वर्ण चुंदरि वावे तंगिन कत्तगदिमियाडुं तंगनिलावे होय। पुंजिरि दंजि कुंजि क्यो मुंदिरि मुत्तोळि जिंदि क्यो मंजणि वर्ण चुंदरि वावे तंगिन कत्तगदिमियाडुं तंगनिलावे। जिये जने जा जने नेनु तले चले धुआं चले रात भर धुआं। प्रीति से बहुत सारी बातें करनी है हमको, बहुत सारे ऐसे राज खोलने हैं जो प्रीति ने आज तक किसी को बताए नहीं थे और जो प्रीति को भी नहीं मालूम कि हमको मालूम है। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं, जो है बुलाते हैं स्टेज पर नील प्रभा जिंटा जी को। आइए तशरीफ लाइए। How sweet, you look very nice. And I know my mom must be very nervous. Neel Prabha ji, आपके दो बेटे हैं और एक लाजवाब आपकी बेटी है। ये पूछे कहाँ गई प्रीति? ये क्या हो रहा है? नील प्रभा जी, प्रीति जो है इंतहाई शरारती लड़की थी, बहुत नॉटी थी और बिल्कुल टॉम बॉय जिसको बोलते हैं, दोनों भाइयों के साथ ये बिल्कुल दादागिरी करती थी। आप प्लीज फरमाए, कोई हमको ऐसी कोई घटना बताइए जिससे पता चले कि प्रीति दरअसल जो इतनी मासूम और यूं मुस्कुराती हुई रहती हैं, वो दरअसल क्या है, बचपन में क्या थी, इसके बारे में कुछ बताइए। मॉम, यहाँ पर घर तो फिर मेरे पास नहीं। बहुत नॉटी थी, दोनों भाइयों के साथ एक बारी स्कूल जा रही थी तो मेरे बड़े बेटे का और एक लड़के का झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। तो ये राधा धन के वो चुप बैठे,
इसने उठ के छोटे से इतने बड़े लड़के को थप्पड़ मार दिया कि मेरे भाई के साथ लड़ता है, मेरे भाई को मारता है। ये बचपन से बड़ी। तब तब इनकी उम्र क्या होगी ये जब एक्शन सीक्वेंस हुआ था? आई थिंक 7 साल की होगी। अच्छा, शुरुआत जी जी जी। ये इससे मिलती जुलती कुछ बातें जो हैं, फौज के एक साहब इनके बारे में कुछ कर रहे थे, हिंदुस्तानी फौज के, देखते हो बात सुनते। राइट नाउ आई एम इन द सिमला हाउस विच आई एम श्योर यू विल बी रिमेम्बरिंग इट, क्योंकि हमने ज़्यादातर अपना बचपन इसी घर में काटा। और ये वो कमरा है जिसमें हम तीनों, मनीष, तुम और मैं, रहा करते थे। एक बात जो मुझे बिल्कुल याद है और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम्हें भी याद होगी, वो है कि इस कमरे में एक टेबल रखा होता था इधर, जिसके ऊपर रजाइयाँ रखी थी। और एक दिन हम इस रजाइयों के पीछे छुप के जो भी इस कमरे में आ रहा था, हमने उसे प्लम से मार मार के लाल कर देते थे। और हमने उस दिन इतना प्लम मारा कि पूरी दीवार सामने वाली लाल हो गई। उसके बाद जब मॉम डैड आए तो तुम दो तो एज यूजुअल निकल चुके थे वहाँ से, और डांट मुझे पड़ी। उसके बाद हम तीनों ने मिलके पूरी दीवार साफ की। प्रीति, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम श्योर इफ डैड वुड हैव बीन हियर ही वुड हैव आल्सो बीन प्राउड ऑफ यू। एक किस्सा जो है, गलती से प्रीति की जबान से निकल गया था और मैं वो सबके सामने बतला ही दूं। नहीं 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 प्रीति, सब अपने ही लोग हैं, सब अपने आपके चाहने वाले हैं। आपने क्या किया था? आप आइए ना, आइए मैदान में, आइए 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 मैदान में। मेरा माय एल्डर ब्रदर, जो आपने देखा है, उसके मेरी लड़ाई होगी एक बारी, तो मैंने पत्थर लेके उसका सर तोड़ दिया। तो फिर वो रोने लग गया, तो रोने लग गया। तो जब मैं बचपन में, जब मैं छोटी थी, तो मैं कभी भी रोती थी तो मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम राजपूत नहीं हो, तुम राजपूत की दुम हो, क्योंकि राजपूत रोते नहीं है। तो मैंने पटाक करके उसको एक थप्पड़ मार के बोला कि तुम राजपूत नहीं हो, रोना बंद करो। ही स्टॉप क्राइंग। तो उसका खून निकल रहा था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर जब मॉम आई तो फिर मुझे पता था कि मेरी अभी धुलाई होने वाली है, इसलिए मैं टेबल के नीचे छुप गई। तो पूरी रात मैं टेबल के नीचे सो गई। एंड इन लोगों ने सोचा कि मैं डर के मारे घर छोड़ के भाग गई हूँ, व्हाटएवर। तो इधर से लोगों को भेजा, इधर से पुलिस को बुलाया। तो मैं पूरी रात टेबल के नीचे सो रही थी। सुबह वो भाई ने मुझे देखा जो फर्श साफ करती थी, ये तो यहाँ बैठी हुई है। आई वाज लाइक डाइंग आउट देयर थिंकिंग दे विल किल मी नाउ। बट हाउ स्वीट माय ब्रदर, ही सो फौजी ना। लेकिन ये शुरू में जब थी छोटी बिल्कुल, तब आपको ऐसा लगता था कि ये फिल्मों में जाएंगी, एक्टिंग करेंगी, या सिर्फ शरारत कर करके ही अपनी सारी जिंदगी? नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों में जाएगी। जी, जी, जी। ये पढ़ाई में अच्छी थी तो हम सोच रहे थे जैसे ये है कि शायद IAS या इंडियन फॉरेन सर्विसेज। लेकिन फिर जब प्रीति के वालिद साहब का, पिताजी का इंतकाल हो गया, तो फिर एक प्रीति ने की जिंदगी ने भी एक नया मोड़ लिया, और हम जानते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ने भी कुछ तब्दीलियाँ आई। आई थिंक यू नो, जब आप बहुत वेन यू वेरी यंग और बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए, तो फिर एक नया लेवल मैच्योरिटी का आ जाता है। यू डू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। तो आई थिंक आई ग्रू अप, आई डेफिनेटली बिकेम मोर मैच्योर, बट वैसे तो कोई चेंज नहीं आया। व्हाट आर यू डूइंग टू मी? आई हैड थॉट पता नहीं क्या शो है ये। तो ये सर बिल्कुल सच, ये सत्यमेव जयते वाला शो। ये जो पढ़ते स्कूल में ज्यादा जो पढ़ते थे, घर में आके कम ही पढ़ते थे। अभी जब इसने 10th के पेपर दिए अपने, तो मेरे को पता चला कि कल इसका इंग्लिश का पेपर है और मैडम के पास बुक नहीं है, इंग्लिश की बुक ही नहीं है। सो मैं गई मार्केट से इसके लिए बुक लेके आई। ये तो नर्वस नहीं थी, पर मैं इतनी नर्वस थी कि इसके पास बुक नहीं है, क्या करेगा, जरूर फेल हो जाएगी। लेकिन अच्छे नंबर पास। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो इसने हिमाचल में इंग्लिश में ये फर्स्ट स्टैंड किया। अंग्रेजी <Everybody? laughs> उसके लिए मुबारकबाद। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौट के आते हैं। ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रीटी की मुलाकात है उनके स्कूल के दिनों से फ्रेंड शगुन और अरविंद से। शगुन आप प्रीटी को ये गिफ्ट दें। इनमें कुछ ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें देखकर उसे पता लग जाना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। क्या प्रीटी गेस कर सकेंगी? ब्रेक के बाद। Welcome back. जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं प्रीति जिंटा से। चुपके से कोई एक साहब जो है मुझे एक बैग दे गए। इस बैग में जो है,
बैग में मैं दीदी से पूछता हूँ क्या है, क्या है क्या? लिपिड टेप एंड आईलाइनर एंड नमकीन। ओह माय गॉड, ये आपकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं। जरा इधर आइए भाई, देखिए कह रही है तो नहीं करती थी। शगुन जो है वो प्रीति की बचपन की दोस्त है, और ये सारी चीजें जो प्रीति ने अभी निकाली थी बैग में से, ये सब इनकी बचपन की यादों से जुड़ी हुई थी। और अरविंद साहब जो है, अरविंद खन्ना साहब जो है, शगुन के पति हैं। शगुन, आपकी और प्रीति की कब की जान पहचान है? आई थिंक हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जब हम 11-12 साल के थे, तब से। आपकी स्कूल थी शिमला चेल्सी जीसस एंड मेरी, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी, और अब तक वो दोस्ती जो है, और अब तक वो दोस्ती। हाँ जी, क्या आपको पता है कि आपकी शादी की कुछ बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें हमारे पास हैं, और उसमें प्रीति ने जो हंगामे किए हैं उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हमारे पास है, क्या आप ये जानते हैं? शगुन की शादी हुई थी तो इट वॉज द बिगेस्ट हाई पॉइंट इन माई लाइफ। 12 दिन तक शादी चली थी, तो कभी संगीत, कभी मेहंदी, कभी चूड़ा। एंड अरविंद के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे लंदन से, अमेरिका से, इटली से। मुझे क्या, पर इन्होंने हमको बोला आप हमारे साथ एयरपोर्ट चलो उनको पिकअप करने। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमको नहीं आना। फिर हम ऊपर बैठे हुए थे तो वी सॉ ऑल दीस गुड लुकिंग गाइस कम, सो वी रैन डाउन एंड वी वर लाइक ऑल इन द पार्टी। ये तो आप बचपन से आप दो ही लोग थे दोस्त, या कुछ और भी आपके ग्रुप में और भी लोग थे? well, जब आप स्कूल में थे? well, बचपन से वो देयर वाज शगुन, देयर वाज मी, देयर वाज मार्गरेट, रिमेंबर मार्गरेट फ्रॉम मिजोरम, एंड देयर वाज अनदर गर्ल कॉल्ड अदिति, एंड वी यूज्ड टू कॉल आवरसेल्व्स स्मजीज। सबका ग्रुप होते थे अलग अलग, हमारे ग्रुप का नाम था स्मजी था, हम लोग बैंड बनना चाहते थे। स्मजी क्यों नाम था? पता नहीं, और कोई नाम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम हम म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। ये लीड सिंगर बनना चाहती थी और मैं ड्रमर। स्मजी के जमाने की एक याद ताजा कर। We are the world, we are the children, we are the ones to make a brighter day, so let's start giving. Is it Margaret? I'll stop you both. तुम दोनों मुझे भूल गए। It is Margaret. आप तशरीफ आए। No way. Oh my God, how are you? प्रीति, आपने देखा हम आपके लिए कितनी तकलीफें उठाते हैं। Oh my God. कहाँ कहाँ से आपके पुराने दोस्तों को आप ढूंढ के लाते। कितने सालों से आप मिली नहीं इनसे? 13 स्मजी टाइप की चीजें नजर आ रही हैं। ये मार्गरेट की बचपन की किताब है और इसमें प्रीति को झांकने की इजाजत नहीं है। भाई ऐसा हुआ था कि मार्गरेट ने जो है कुछ प्रीति से एक दिन कहा था कि आपकी दिल की सारी अंदरूनी ख्वाहिश है जो आप किसी और को नहीं बताएंगी और सिर्फ मुझे बताएंगी, और मैं भी कम से कम 10 साल तक किसी और को नहीं बताऊंगी, ऐसी बातें मुझे लिख के बता दीजिए। तो उसमें से सिर्फ 3 मासूम सी चीजें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। व्हाट वुड यू हैव इंस्क्राइब्ड ऑन योर ग्रेवस्टोन, मतलब आप जहां पूर्ण विश्राम के लिए लेटेंगी वहां जो आपके नाम का पत्थर लगेगा उस पर आप क्या खुदवाना चाहेंगी। प्रीति ने क्या लिखा? Come one, come all, but only handsome hulks. भाई मैंने ये सुना था कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जान निकल गई लेकिन ये खाई नहीं गई। Only handsome hulks. इसका क्या मतलब है भाई? ये मैंने नहीं लिखा है। अरे आपके हाथ की लिखी हुई दिखाई मौजूद है। Oh my God. Your favorite motto.
आपका फेवरेट मोटो क्या है? प्रीति जी ने लिखा, लाइफ इज टू शॉर्ट टू डांस विद अगली गाइस। ये इनका फेवरेट मोटो था। नील प्रभा जी, ये बातें आपको मालूम थी? मेरे पास है इनके हाथ का लिखा हुआ, डिस्क्राइब योर रियल हंक। आपने सबसे मतलब खाबों के राजकुमार का। अच्छा, मैं उस वक्त 11 साल की थी, 10 11 इयर्स की, जब मैंने लिखा था प्लीज। अरे तो 11 साल में ये लक्षण थे आपके भाई, इसका क्या मतलब है? ओह माय गॉड, वी हर्ड ऑफ अर्ली स्टार्स इन लाइफ बट दिस अर्ली। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये हाथ की लिखी बात है, मैं मन से नहीं पढ़ रहा हूँ। ही शुड बी सेक्सी, हॉट, स्मार्ट, well built, with piercing and romantic eyes. Should be a damn rich person. Should be a damn rich person. Hey, how me? He should live in style and keep me in style. अच्छा भाई, his presence should. ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, प्रीति, बिल्कुल आप इसमें बहुत और से सुनिएगा, आप लोग भी दोस्तों सुनिएगा. His presence should send shivers in my body. I think it was all those books. क्योंकि इतनी सारी चिट्ठी आपकी. कौन सी बुक्स थी वो हम पढ़ते थे? Males and Boon. Males and Boon. लेकिन इन दिनों की जो है, जब आप बहुत मासूमियत से Males and Boon पढ़ती थी, ऐसी मासूम हरकतें करती थी, तब की कुछ आपकी साथी हैं, आपकी बुजुर्ग साथी, उनके कुछ मैसेजेस हैं आपके। हेलो प्रीत, साल तो काफी बीत गए हैं, पर मुझे तो कल की बात लगती है जब आप मेरी साइकोलॉजी क्लास में मुस्कुराती हुई शरारत भरी आंखों और वो डिम्पल चीक्स के साथ आके बैठती थी, और जब प्रैक्टिकल फाइल्स मैं मांगती थी तो एकदम खड़े होकर भोला सा चेहरा बना के मुझे कहती थी, मैं नहीं कर सकी कल क्योंकि मैं 12 बजे तक एक पार्टी में नाच रही थी। आई अप्रिशिएटेड योर ऑनेस्टी। हेलो प्रीति, तुमने ये जगह अच्छी तरह से पहचान ली होगी कि यहीं पर मैंने तुम्हें संस्कृत और हिंदी पढ़ाई है। संस्कृत का पीरियड तो तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि तुमने मुझे कितना सताया था और कितने तंग किया था। मेरी प्यारी प्रीति, आज भी तुम्हें जब स्क्रीन पर देखती हूँ तो वही दिन याद आ जाते हैं जब तुम चेल्सी में सिस्टर ग्रेटी का शॉल पकड़े हुए टीचर्स के पीछे पीछे भागती और शरारत से भरपूर है। वो देखो ओल्ड हॉल, लाइब्रेरी एंड द हॉस्टल अबव, ओल्ड हॉल जहाँ वी यूज्ड टू हैव आवर इंग्लिश क्लासेस देयर। प्रीति, यू वर नेवर अ बुकवर्म आई नो, और कभी कभी मुझे क्लास में दिखती थी, ज्यादा तो नहीं दिखती थी, बट देन आई लाइक नॉटी चिल्ड्रन एंड बंकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉलेज नो, एंड यू वर एट इट। कॉन्वेंट जी से मेरी मैं बोर्डिंग में, हम लोग सब बोर्डिंग स्कूल में थे वहाँ। आई थिंक दैट वाज द मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन वही थे। एंड यू नो, जब हम स्कूल में होते हैं तो लोग हमेशा बोलते हैं कि जब आप एक बारी स्कूल एक बारी आप स्कूल छोड़ के चले जाएं, देन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्कूल, कि तब सब बोलते हैं कि वो दिन जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, बट आई रियली थिंक दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। जाहिर है आपके तो होंगे, सब टीचरों की नाक में दम कर रखा था, क्लास में जब जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। अच्छा एक काम करते, मुझे खतरा है कि प्रीति जो है मुझे भी जो है मार कूट के पीट के ये किताब मुझसे छीन लेंगी, तो मैं इसको कहीं बहुत सुरक्षित जगह पे रख के आता हूँ। उस दौरान जो है हम एक छोटा सा ब्रेक रख ले लेते हैं, मैं ये रख के आता हूँ। बातें कर रहे हैं फियरलेस नाडिया, मेरा मतलब है प्रीति जंटा से। प्रीति ने कहा मेरे बारे में जो चाहे कह लो, मैं किसी से नहीं डरती, आप करके क्या कर लेंगे वगैरह वगैरह। भाई नहीं, बेबाक होकर धमकी मुझे दी है उन्होंने। तो प्रीति, सुनने में ये आया कि भाई फिर धीरे धीरे ये हुआ
कि शिमला जो है इनकी शरारतों के लिए और इनकी उभरती हुई पर्सनैलिटी के लिए जो है बहुत छोटा साबित होने लगा। तो प्रीति, दिल्ली आने की वजह क्या हुई? वेल, फर्स्ट तो हॉलीडे के लिए आई थी, ऑल्सो फॉर स्टडिंग, पर अर्लियर द फर्स्ट ट्रिप जो किया था दैट वाज ओनली फॉर हॉलीडेज, छुट्टियां मनाने। तो स्टडीज जब आप करने आई दिल्ली, तो आपने क्या कोर्स अपने जहन में सोचा था कि मैं ये जाके करूंगी? मैं तो इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, पर आई वाज वेरी कीन ऑन डूइंग साइकोलॉजी। अच्छा भाई, इंग्लिश ऑनर्स और साइकोलॉजी के दिन के जो एक मशहूर विक्टिम थे प्रीति जिंटा के और दिल्ली के जमाने के इनके साथी थे, वो प्लीज यहाँ मंच पे तशरीफ लाएं। क्या हाल प्रीति जी? अर्जुन, ओह ही इज माय पार्टनर क्राइम, आई कांट बिलीव यू हियर। तो आपके पार्टनर इन क्राइम जिन्हें आप कह रही हैं, उनका परिचय आप ही करवा दीजिए। वेल, दिस इज अर्जुन फ्रॉम डाउनटाउन न्यूयॉर्क। ही एंड 4-5 ऑफ अस हैड दिस ग्रुप एंड इन दिल्ली, बिसाइड शगुन वाज ऑलवेज डेंटी एंड गर्ली, तो दैट वाज माय बेस्ट फ्रेंड। But my other friends were these 6-7 boys, जिनमें से हंक जी, हंक की बात कर रहे थे ना जी, जी 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 हाँ जी। कुछ और अगर दोस्त दिल्ली के जमाने के हो तो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अच्छा जी, एक और दोस्त, वो हंक नहीं है, वो पंक है, वो चार फुट है। What's up? अच्छा ये बताइए अर्जुन साहब, कि आप सबसे पहले जो है प्रीति से कब मिले दिल्ली में? जी, प्रीति से पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी घुंगरू में, जो मौर्या शेरटन में डिस्को है जी जी जी। और एक रात उधर अपने किसी दोस्तों के साथ गया था और प्रीति आई थी मन्नू के भाई के साथ। अच्छा, मैंने अपने दोस्त को बोला ये बहुत सुंदर लड़की है, इधर जरा इसे नंबर नंबर लेता है, कुछ फोन वोन करके लंच डिनर करते हैं। पर उसके बाद तो फिर क्या कहे, अब तो दोस्त बन गए। आई कांट बिलीव यू गॉट देम हियर। छोटी मोटी बातें किसको याद आती हैं, इनको भी कई बातें याद नहीं रही होंगी। इनकी एक बात आपके बारे में हमको याद है, जरा उधर मुड़ के देखिएगा। तो The only two things I want to say to you. One, I'm very proud of everything you've achieved so far. And two, I hope you remember the pact between both of us, which is that if in the next 5 years we don't get married to somebody nice and special, then we're going to propose to each other and get married. Bye for now. ये हमने पता नहीं कब किया था, पर वी डिसाइडेड। 5 साल हो गए? नहीं नहीं, नो एक्चुअली वी हैड सेड इफ वी क्रॉस 30। नहीं 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 नहीं, हम रिप्ले करके दिखाएं। टाइम बाउंड फैक्टर था जी, 5 साल का था ना। इफ वी क्रॉस 30 एंड वी डोंट फाइंड एनीबॉडी देन वी विल जस्ट मैरी ईच अदर, बिकॉज़ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी नो ईच अदर वेरी। सन्यासी की जिंदगी तो नहीं जी सकते। हां, कि ऐसे नहीं होता है कि बुड्ढे हो जाए और शादी नहीं हुई तो। और कोई नहीं तो कंपल्सरी ब्लाइंड। ब्रेक टाइम। यहाँ ग्रीन रूम में है प्रीति के फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक कुंदन शाह और उनकी एक फ्रेंड जिनका प्रीति और फिल्मों से नाता जरूर है, क्या है? I was there for the first shot of a first film, holding a hand while we both shivering to death. पूरी कहानी क्या है? ब्रेक के बाद। Could I speak to Preeti, please? My phone. This is my telephone, but yeah, okay, one second. What is happening? Preeti ji, aapke liye phone hai. Mere phone pe aapke liye phone hai. Please baat kijiye. Hello. Preeti, do you want to take a flight to Goa right now in 10 minutes? Sue! Hello. Susie! Do you want to come say yes or no? Yes. Where are you? Please, excuse me. Aap log aise hi baat karo.
उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया है। ये 50 रुपए आपने जो मुझे दिए सुजी जी, ये इससे मेरा बिल थोड़ा खैर क्या क्या है क्या? Oh no. Darling सुजी, I love you. ये 50 रुपए का नोट है भाई, इस पे जो है प्रीति जिंटा की दस्तखत है। सुजी, what is the history behind this? ये किस्सा क्या है? This was her first earnings, her first note which she signed on it. First time cash in hand मिला था, so I gave Suzy 50 rupees from there. I signed it and. पहले ये बताइए, इससे पहले आप कहाँ इनको मिली थी? Well, this is a long story actually. I'll make it short. I was supposed to go to Goa for a holiday with a colleague of mine, and 10 minutes, no, 1 hour before the flight, she just said, "Sorry, I can't come." So I said, "Now, who do I call?" And I didn't. उससे पहले की स्टोरी ये कि मैं इनकी बहन के साथ, मैं इनकी बहन को मिली थी, सुजी को सिर्फ 2 बार ही मिली थी, और मुझे सुजी ऐसे लगती थी. She used to always be very girly and proper with her nose up. So I used to always feel कि ये थोड़ी arrogant है. फिर सुजी ने मुझे फोन किया और बोला कि मैं गोवा जा रही हूँ, मेरे पास एक टिकट है, do you want to come? So I said you have exactly 10 minutes to decide. So she said you have 10 minutes and I was all alone in Bombay that time. तो फिर मैंने कहा okay. फिर हम दोनों गोवा गए and we became best of friends on that trip. मैं एक तरह से दोहरा दूँ, आपने इनको फोन किया तो उन्होंने कहा 10 मिनट का, मैं तो 2 मिनट में हाजिर हो जाता. भाई किसी का टिकट विकेट कैंसिल हो रहा हो प्रीति, जब बॉम्बे में कहीं आपके साथ किसी जगह गई थी या आपकी वजह से किसी जगह गई थी और आप शेखर से मिली थी, ऐसा भी कुछ एक वाक्य है ना? हाँ, I had a test next to where Shekhar was auditioning and her ex-boyfriend was also auditioning for Shekhar. वो चाहते थे कि वो फिल्म के लिए. मैं स्टेप से नीचे आ रही थी और मेरे हाथ में 2 बुक्स थी, चलते चलते आई सॉ शेखर. बिग स्टेप इन लाइफ, स्टेपिंग डाउन, सामने पड़े हुए शेखर कपूर. अरे आप तो डायरेक्टर हैं, चलो मैं आपकी फिल्म में काम करता हूँ. देन ही आस्क्ड मी कि मैं ऑडिशन में क्या करना चाहूंगी, तो आई सेड मैं ऑडिशन करने नहीं आई हूँ. फिर उन्होंने माइक लिया और सबको बोला कि देखो ये ऑडिशन करने आई है लेकिन नर्वस हो गई है, उसका मुंह लाल हो गया है. Somehow ended up auditioning. नहीं नहीं, somehow नहीं, आपने कहा होगा शेखर, तेरे को मैं बताती हूँ आपको. ऑडिशन के बाद मैं घर आई, 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया और बोला कि आप मेरे साथ ये पिक्चर करोगे, हाथ आगे करके, विल यू डू दिस मूवी विद मी? तो आई गॉट वेरी पैरानॉइड बिकॉज़ इट वाज शेखर कपूर. एनीवेज, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने पिक्चर साइन कर दी. तो आई वेंट एंड टोल्ड हर, हम लोग जॉगर्स पार्क में चल रहे थे, तो आई टोल्ड हर, सुजी, आई हैव साइन्ड अ मूवी विद शेखर कपूर. शी गोज, या आई हैव साइन्ड अ मूवी विद स्पीलबर्ग. स्टॉप लाइंग. सो आई सेड, ओह ओके. शी इज लाइक, व्हाई वुड ही साइन यू फॉर द मूवी? तो कि कौन सी फिल्म का ऑडिशन था? तारा राम पम पम. हां, जो फिर बनी नहीं आगे जाके. नहीं बनी. अच्छा, आप तो मॉडलिंग करती थी. ये एक एडवर्टाइज प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी. So she used to call me for like sitting on the table with my back showing. So I used to get like 5,000 bucks or leg modeling. कि you know weekenders की modeling हो रही है, उसमें सिर्फ टांगे चाहिए, ट्रेंग ट्रेंग ट्रेंग. तो then I used to just come and walk there. बहुत यूनिक बात ये है कि जब यही हल्ला गुल्ला करने वाली प्रीति जिंटा जो है किसी सीरियस फिल्म में काम करती है तो अचानक एक जबरदस्त किस्म की तब्दीली उनमें आ जाती है. इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी जिसके डायरेक्टर साहब जो हैं हमारे साथ आए हुए हैं, और क्या कहना भाई. आइए आइए कुंदन शाह साहब. कुंदन, क्या हाल है? आप ये बताइए कि आप सबसे पहले प्रीति को कहाँ मिली? पहले ये क्या कहना, फिल्म हनी खुद डायरेक्ट करने वाली थी, हनी ईरानी जो उसकी राइटर है. तो जब मुझे सिलेक्ट किया गया तो हनी ने कहा कि मैंने एक लड़की देखी हुई है और तुम उसे मिलना चाहते हो तो तुम मिल सकते हो. फिर प्रीति को बुलाया मिलने के लिए. तो पहली मुलाकात हम लोग की कुछ शायद 3 घंटे की होगी या ऐसे, तो 2.5 घंटा तो वो बात करती रही. आधा घंटा आपको मिल गया, बड़े नसीब वाले हैं आप. नितिशा,
मुझे इस एक बात अच्छी लगी इसके लिए, क्योंकि हनी ने जब पहले उसको ये रोल सुनाया था तो ये कहा था कि ये लड़की प्रैक्टिस करती है ये माँ का रोल, तो यहाँ कुछ पिलो बांध के वो बैंड स्टैंड में जाती थी, तो मुझे ये थोड़ा पागलपन अच्छा लगा कि भाई ये कौन लड़की है जो इतनी यंग है, पहला ब्रेक मिल रहा है फिल्मों में और ऐसा रोल करना चाहती है। ज़्यादातर तो लोग बहुत चॉकलेटी रोल, रोमांटिक रोल पसंद करते हैं। अगर मेरी शादी हुई होती, मंत्र और फेरे पड़े जाते, तो आप लोग मेरी कितनी इज्जत करते, कितना ध्यान देते मेरा। बेटे ऐसा मत कर, बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। बेटी ऐसा कर, बच्चे को फायदा पहुंचेगा। मां बनना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान। लेकिन सिर्फ फेरे नहीं पड़े तो यही वरदान श्राप बन गया। आपने ऐसे एक डेंजरस किस्म का रोल लेके स्टार्ट कैसे करने का फैसला कैसे किया? आई थिंक अगर मैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फिल्म करती तो आई वुड हैव नेवर रियली बीन एक्सेप्टेड और बीन एबल टू डू इट। क्यों भला? आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज़ कभी-कभी मेरे पास फिल्में आती थी कि पांच गाने और ये हीरो है, यू नो, ऐसे करके रोल्स। बट आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम क्या कहना की स्क्रिप्ट सुनी तो आई डिड फील कि ये एक ऐसी फिल्म है जो कि एंटरटेनिंग है लेकिन इसमें एक मैसेज है, और एट द सेम टाइम it is the it's a story of a girl turning into a woman of substance, you know. So usme it was something very different, very new, which I liked. Aur also mere ye jitne bhi friends hai, they used to all tell me, Preeti, please don't wear a white sari and dance in the rain. To mujhe wo bhi dar tha ki ye sab mere mazak udate the, they say filmy, you're becoming a filmy. Lekin jo bhi maine film mein sikha aur wo sab mere ko Mr. Shah ne hi sikhaya, kabhi daant ke, kabhi pyar se, कभी ये भूल के, यू न्यू कमर्स, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एक्टिंग। और एक बार तो हमने जो इंटरवल पॉइंट था, वो सीन था, उसमें बारिश होने वाली थी, बारिश का सीन था, तो मैंने दो बार ये सीन किया। तीसरी बार मिस्टर शाह गुस्से में मेरे पास आए और बोले, आई डू नॉट वॉन्ट अ ब्रिलियंट टेक, आई वॉन्ट एन ओके टेक। अंडरस्टैंड मी, एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर गोइंग, ओह यस 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 मिस्टर शाह। बहुत झगड़े होते होते थे ना भी, ये फिल्म में भी बहुत कितनी बार ये रोई है, ये सवाल ये कि आपको कितनी बार रोया है? मैं ज्यादा रोया। आपके एक दोस्त है, वो आपसे शिकायत करेंगे आप इतना कम क्यों बोलती हैं। Hi Yakko, how are you doing and how are you feeling, Yakki? You know, I want to tell the audience something about you, is that and even I'm going to tell Farooq bhai, you know, that once you start talking, man, it's like torture. It's like torture, Yakki, so please control yourself on the show. You know I love you, we all love you. And you remember the time you were coming back from Dubai? I got a call from a couple of Emirates air hostesses who fell sick and were put in intensive care because of the overdose of cocaine. Okay, Yakki, please control yourself. Mwah, love you. ये पहले बताना चाहिए था ना उनको, मुझे अब बता रहे हैं। खैर, अब जहाँ से जागे वहीं से सवेरा और यहाँ से छोटा ब्रेक। में है एक बहुत ही स्पेशल पर्सन जो कि प्रीति के कलीग होने के साथ साथ फ्रेंड है। जीना इसी का नाम है। हम बातें कर रहे हैं प्रीति जिंटा से, और क्या बातें हो रही है साहब। प्रीति जिंटा पर्दे पे पहली बार नजर आई थी एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म में, दिल से। She was giving शाहरुख the shivers in his body, जो ये चाहती थी, और looking at him with piercing romantic eyes, और शाहरुख के जो है हाल खराब हो रहे थे। लेकिन ये प्रीति की पहली फिल्म थी और उनके साथ बड़े बड़े स्टार्स थे, और उनके साथ पहली बार काम करना, उनके साथ निभाना कैसा तजुर्बा रहा, हम उनसे पूछ लेते हैं, जिनको इंट्रोड्यूस करने की मुझे जरूरत ही नहीं, बल्कि मेरी मजाली क्या जो मैं उनको कहूं कि उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। प्लीज आप तशरीफ लाएं। उन्हें
मनीषा कोयराला को इंट्रोड्यूस करने की मेरी क्या मजाल है भाई। मनीषा बहुत बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ लाई। जब दिल से मैं प्रीति जिंटा आई काम करने के लिए, तब भी आप ऑलरेडी बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी और प्रीति की शुरुआत हो रही थी, तो आपका एक्सपीरियंस जो है प्रीति जिंटा के साथ काम करने का कैसा रहा था? आई हैव नोन प्रीति बिफोर इन दैट, आई मेट हर ब्रीफली एंड Shekhar had shown me her screen test. Yes, achha, I didn't tell you this. And I have always admired, the moment I saw that, I think she was so spontaneous. She was this bubbly, bright girl, beautiful face, you know, so it was really nice. Thank you. Abhiji, aapka tajurba kaisa tha, itni badi star, aapki pehli film? Well, I think when I knew ki main dil se kar rahi hoon, first of all, toh meko ek shock ye lag gaya tha, I was working with Mani Ratnam. Then second shock was I was working with Shah Rukh Khan. Then third was I was working with मनीषा। और पहले मुझे इंडस्ट्री ने मैं सब ने बोला कि मुझे ये रोल करना नहीं चाहिए क्योंकि मनीषा मुझे खा जाएगी। अच्छा, खा जाएगी। सो आई वाज वेरी, आई हैड मेट मनीषा एक दो बारी पहले मैं मिली थी, तो आई वाज वेरी थोड़ी मैं कंफर्टेबल थी, पर आई डिडंट नो सेट पे कैसे होने वाला है। पर आई मस्ट से बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन दिल से, मैं अभी मेरा फ्यूचर एक्सपीरियंस में जब भी कोई न्यू लड़की मेरे साथ काम करती है, आई गो आउट ऑफ माय वे टू बी नाइस टू हर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी शादी होने वाली है और अब तक तो मैं खुश थी, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मुझे लग रहा है कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा। सच? अमर हो तुम? हाँ? अमर तुम अच्छी जोड़ी हो, आप सच कह रही हो। आप जिम्मेदार हो? हाँ, अगर कुछ ठीक नहीं हुआ ना, मैं आप ही से पूछूंगी। आप नहीं, तो तुम ही से पूछूंगी। That was the first scene together. First scene. Very well done. Very good looking, very talented women. And one very talented man talking about a very talented woman on this screen. This was absolutely natural. I mean, she's bubbly. Very, very interested in what she was doing. She was very keen. She wanted to do well. She was very ambitious. And she did a fantastic job. The character was very, very close to what she was in real life, and she fitted it absolutely to the T. She comes through very real, which is very good. I saw Dil Chahta Hai. She'd done a brilliant job. Mani Ratnam ne kaha, ye mera favorite scene tha us film mein. Wo dikha lete hain. Phir wo dusre janab ki baat karte hain. Are you a virgin? I'm sorry. Mera matlab, उस लड़की तुम उसे मन ही मन में चाहते थे या कभी हुआ वगैरह? नहीं नहीं नहीं, मुझे जवाब नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम्हें झटका लगा कि नहीं। अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? पूछो। वह मुझे देख के क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम बातें बहुत ज्यादा करती। Hi Pree, if you remember, this is the day that I packed up early and you're actually right up there in that mountain. Yeah, still trying to ski in your 90s and your floaters. Well, anyways, I just want to say that I think you're a great girl and I think that Suzanne and I are very lucky to have you as a friend. I think you carry yourself with a lot of dignity and I respect you for that. I think you're a great actor, a great human being, and keep it up. Have a great show and a fantastic year. Oh my God! ये गिनेस बुक वालों को मैं भेजने वाला हूँ इसका क्लिप, क्योंकि दुनिया की पहली औरत ऐसी है जो स्कीइंग करती है 90s में। नहीं नहीं प्लीज, मैं स्की नहीं कर रही थी। भाई वो कहा ऋतिक रोशन ने? नो नो, वी वर डूइंग अ नाइट सीक्वेंस एंड मैं नाइटी पहनी भी थी एंड आई वाज वेयरिंग दोस टॉवल स्लिपर्स
I was doing this. So suddenly Ritik came in and said, what are you doing? So I said, I'm skiing. आपकी और रितिक की और रितिक की बीवी की बहुत गहरी दोस्ती है. जी. आप लोगों की मुलाकात मतलब you met Suzanne first? No, I met Suzanne first. She and me हम friends हो गए थे. फिर on my birthday she told me I've met this new boy. He's very sweet and everything and I want you to see him. So I said okay. तो वो मेरे birthday के दिन एक बड़ा सा birthday cake लेके आया था रितिक first time. And I looked at him like this and I said, okay, he's sweet. तब भी ऐसे मसल मसल थे? So, a little bit, not so much. But that was the first time मैं रितिक से मिली थी. और उसने सुजान को बोला सर कैसी दोस्त है तुम्हारी मैं अपनी बर्थडे पार्टी के लिए लेट आई थी तो सब खा रहे थे और सब एंजॉय कर रहे थे सो आई केम अ बिट लेट सो दैट्स व्हेन आई मेट हिम आउटसाइड ये एक अच्छा है मतलब ऋतिक रोशन केक लेके आते हैं प्रीति 19 स्कीइंग ऐसी नॉर्मल नेचुरल बातें प्रीति की जिंदगी में होती रहती हैं हम लेते हैं एक ब्रेक उसके बाद मिलते हैं आपसे 19 स्कीइंग अ पर्पल बाल मीट प्रीतिस फ्रेंड्स never seen before ever Preeti's twin sister meri bhai ne mera bhai hai wo to Pritam Singh welcome back Gina isi ka naam hai ye sikha rahi hai humko Preeti Zinta Preeti ki ek bahut बहुत ही हाईली प्रेज्ड फिल्म पिछले दिनों रिलीज हुई थी जिसका नाम था दिल चाहता है उससे जुड़े हुए एक साहब हैं प्लीज तशरीफ लाएं कभी ना बीते चमकीले दिन दिल चाहता है हम ना रहे कभी बारों के दिन फरहान अख्तर दिल चाहता है कि बहुत बाखूबी राइटर डायरेक्टर और फिल्म को पूरी तरह कंसेप्चुलाइज करने वाले मतलब उसके कर्ता धर्ता फरहान अख्तर और उन्होंने जो है एक पूरी फिल्म तक प्रीति जिंटा को बर्दाश्त किया और उनसे काम लिया ये कोई मामूली काम थोड़ी था मैं आपको बता दूं कि जो आप कह रहे हैं कि बर्दाश्त किया द लास्ट 5 सीन्स ऑफ द फिल्म शी डिडंट हैव एनी डायलॉग्स जैसे कुंदन जी ने बताया मेट हर व्हेन मॉम वाज टेस्टिंग प्रीति फॉर द रोल ऑफ क्या कहना फिल्म तो खैर सभी ने देख लिया कई लोगों ने बार बार देखी सबको याद भी है प्रीति के सीन भी याद हैं और लोगों के सीन भी याद हैं तो मैं कुछ यहाँ ऐसे सीन देखने वाला हूँ जिनको देख के मैं परेशान हो गया हूँ टूर किया था आमिर और मैंने सो देर वॉज अ लगान एंट्री एंड देर वॉज अ फुल दिल चाहता एंट्री तो हमने दिल चाहता एंट्री में ऐसे किया था कि एक स्टोरी बना दी थी कि एज शालिनी एंड आकाश वी मीट फिर वो डायलॉग करता है जब यू नो इन द फिल्म ही टेक्स माई हैंड एंड सेज शालिनी तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो सिर्फ मेरे लिए वो फुल डायलॉग करता है तो देन वी गोइंग टू जाने क्यू फिर तन्हाई आती है एंड आफ्टर तन्हाई वी get together and we go so that's for you did very well with the tan and but I think the amount of fun we had that was one film once a week humko chutti milti thi to chutti matlab whole crew disappeared nobody knew where who was aur us hotel mein sabse zyada fire alarm bajta tha kyunki koi kabhi farah I remember farah was making biryani one day and she forgot to put the exhaust on so suddenly trr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 r
and the whole hotel half naked and then with three fire alarms, running down. Fire alarms. So every day there was something or the other happening and we used to have so much fun. Aran, aap tashreef rakhe kyunki abhi stage par jo hai ek bahut bahut bada hangama hone wala hai. अब ये रंग बिरंगी विक के साथ क्या करती है ये हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ आपकी तस्वीरें. आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना, जब साज है आवाज है. ओके, दिस इज डियान एंड डियान पांडे नाउ. शी इज physical instructor, but Deanne is the one just who I said ki main pehle Deanne ko janti thi when Susie called me to come with her to Goa. Yeah, yeah. This is Biren, but I call him Birena, milte rehna. He is my mad friend. Unka naam Preeti nahi hai, aapne pura program mein Preeti uska naam rakha hai. Pritam Singh hai uska naam. Bhai, to kyun ye naam aisa kyun rakha hai? Wo jo aapki Goa ki jo story hai usme ek twist tha. Beach pe ghum rahe the, hamare beach pe, to wo film ke dialogue thoda हेलो हमारे से जो दोस्ती करेंगे, दोस्ती हो गई हमारी बीच पे. अच्छा अच्छा. वॉलीबॉल खेल रहे थे बीच पे या हंक्स के साथ, तो प्रीति तो अभी प्रीतम थी तभी तक, तो पीछे खेल रही थी. हम लोग बोला कि लड़की है तो साइड में लगा देते, उसको कुछ खेलेगी नहीं. तो बॉल तो आया जोर का एक हाथ से जो मारा, सब लोग वो ऐसे देख रही है. बाद में एक शॉट के बाद क्या कर लिया, हाथ एक हथौड़ा. Kelly Dodgy, sab jante hain who Kelly is, but Kelly also is one of my oldest friends from Bombay. I'm feeling really, what should I say, very, very nice, because this part of my life and that part of my life and my work and everything is blended onto this one stage and it's very nice. Yeah. Preeti, wo lal plum to hum nahi mangwa sake aapke liye. क्योंकि हमको पुलिस ने कहा था लोग फेंक के मारते हैं, तो दिल्ली में आजकल बड़ा सिक्योरिटी का मामला है. कुछ और मंगवाया है आपके खाने और फेंकने के लिए भी, प्लीज उसको ले आए. दोस्तों, प्रीति जिंटा, प्रीति गुड, वाकई मिलकर जी भर गया, जी खुशी, जी खुश हो गया. अगले हफ्ते ऐसे ही एक बहुत मजेदार मेहमान से मिलाने का वादा करके अलविदा कहते हैं. जीना इसी का नाम है.